आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। गांधी पार्क टाउन हॉल में बाल विकास सेवा एवं बाल पोष्टाहार विभाग के माध्यम से पोषण माह कार्यक्रम को डिप्टी सीएम ने दीप प्रज्वलन करके किया उद्घाटन। रहते उप केंद्र में ताला बंद था, उस पर हमने कार्रवाई के लिए कहा है, आज कार्रवाई होगी और सभी चिकित्सक समय से बैठे, उनका कार्य व्यवहार अच्छा हो, दवाइयां शासन के पास पूरी उपलब्ध हैं, लोगों को निशुल्क दवाइयां मिले, जांचें हों, इसके लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों को हमने कहा है और हर स्थिति में हम गोंडा जनपद के सभी मरीजों को निशुल्क इलाज देने के लिए कृतसंकल्प हैं। यहां पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा उसकी भी हमने समीक्षा की है, हमने निरीक्षण किया है, समय सीमा से कुछ लेट है, कार्यदायी संस्था को हमने ताकीद किया है कि तेजी करें काम में, जिससे अगले सेशन अगले वर्ष हम लोग अपना बहस शुरू करें। हमें पिछले 5 वर्षों में 80-85% विद्यालय बदल चुके हैं, शेष जो बचे हैं 15-16% उनको हम बदल रहे हैं और उच्च कोट की शिक्षा व्यवस्था हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं, उनको ड्रेसेस दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, बस्ते मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च कोट की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकल्प है, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज भी हमने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है। भैया, इस प्रकार जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में घिरी हुई दिल्ली की सरकार है। केजरीवाल ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार आकंठ पर है, शराब घोटाला किया, लोगों को जिस ढंग से घोटाले के लिए उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है, पूरा देश समझ गया है कि केजरीवाल घोटालों से घिरी हुई सरकार है और एक दिन स्वतः ही गिर जाएगी। दिल्ली के लोग कभी इनको माफ नहीं करते हैं कि वो अपने लिए कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है ये पूरे देश की जनता जान चुकी है। कांग्रेस के आधार पर नाटक करके सरकार को हथियाया है दिल्ली की जनता, उनको जान चुकी है। अब आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल पूरी तरह से हारेंगे, फ्लापसो साबित हुए हैं। कांग्रेस आपने बिल्कुल नहीं होगी, देखिए पत्रकार मेरे मित्र हैं और पत्रकार ही हमारे तक सूचना पहुंचाते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करना, आप चिंता मत करना, मेरी जिम्मेदारी हम पत्रकारों के साथ, हम अपने पत्रकार मित्रों के साथ। मंत्री जी, यहाँ एक डॉक्टर